Good morning, Boroland. Good morning. बच्चे ऊपर जो बैठे आप सुन सकते हो मुझे, और बच्चे जो पीछे बैठे हैं आप सुन सकते हो? देखो, 132 साल से एक फुटबॉल के टूर्नामेंट चल रही है हमारे देश में। मतलब कब से शुरू हुआ, देश दुनिया कैसे था, उस समय भी हमारे देश में लोग फुटबॉल खेलते थे, और आज वो फुटबॉल कप आपके यहां बोरोलैंड कोकराझार में हो रहा है। आप खुश हो? नहीं हो? आप सभी फुटबॉल खेलते हो? सब खेलते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन खेलते हो और कौन कौन फुटबॉल देखते हो? अभी हाल में वर्ल्ड कप हुआ था कतार में, मेसी का मैच देखा आप सभी ने? देखा? बहुत अच्छा। तो आपको खुशी है कि ड्यूरेंड कप यह हो रहा है? देखो, आज की इस कार्यक्रम में बोरोलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो जी, जो कि मेरी जहां तक समझ है खेल में और फुटबॉल में विशेषकर बहुत उत्साह रखते हैं। मैं इस साल के लगभग फरवरी मार्च में यहां आया था, उन्होंने मुझे पहली बार यहां बुलाए थे, जबकि एक इंटर काउंसिल फुटबॉल टूर्नामेंट की आयोजन हुआ था, उसके फाइनल मैच में मैं आया था उस मैच को देखने के लिए। बांस के गैलरी बनी हुई थी, इतने लोग थे उस मैच को देखने के लिए, मेरा मन में यह डर था कहीं वो गैलरी टूट के कोई हादसा ना हो जाए। इतने सारे लोग ग्राउंड के आसपास बाहर, सिर्फ लोग और लोग, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा, हम जब भारत में फुटबॉल की बात करते हैं हम बोलते पश्चिम बंगाल में फुटबॉल होता है, गोवा में होता है, केरला में होता है, मणिपुर में होता है, मिजोरम में होता है, कोई नहीं बोलता कोकराझार में होता है, बोरोलैंड में होता है। तो मैं प्रमोद दादा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उस मैच में उन्होंने, यदि मुझे आने नहीं बुलाते तो मुझे मालूम नहीं पड़ता। तो बच्चे जो खेल रहे थे वो जीते भी थे काउंसिल टूर्नामेंट बोरोलैंड की तरफ से। मैं प्राइज देते समय पूछा उनसे, भाई आप लोग कभी बोरोलैंड से बाहर जाकर खेले हो? तो सभी ने बोला कि नहीं खेला। क्योंकि मैं देश विदेश में घूमता हूं और जिस एज की वो खिलाड़ी खेल रहे थे, 22 साल, 23 साल, 24 साल के बच्चे, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बोरोलैंड के बच्चे किसी दूसरे प्रदेश से कम है। तो मुझे लगा इन बच्चों को बोरोलैंड से बाहर खेलने जाना चाहिए। मैंने प्रमोद दादा से बात करी और इन्होंने तुरंत ओडिशा में बोरोलैंड को टीम को भेजा, मैंने वहां एक टूर्नामेंट की व्यवस्था करी थी। तो पहली बार बोरोलैंड के जो टीम ओडिशा में पहुंचा और ओडिशा के संतोष ट्रॉफी को जो टीम था उसको हरा के बोरोलैंड वापस आए। तो इतनी टैलेंट है इस जगह में। तो तभी मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते, जब भी मेरे पास टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स आते हैं और कहते हैं कि मुझे फुटबॉल करना है, कहाँ करें, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में करें, लेकिन संभव हो तो कोकराझार में भी करें। इसीलिए संभवतः मई से पहले, मार्च में हमने तो फाइनल खेला था रियाद में, संभवतः फरवरी में, जनवरी फरवरी में आपने यहां पर संतोष ट्रॉफी का एक राउंड मैच कराया। यहां 6 टीम आए खेलने के लिए, पहली बार संतोष ट्रॉफी जो है यहां पर हुआ है। फिर आपने ड्यूरेंड कप की बात आई और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आर्मी को,
आर्मी के जब सीनियर ऑफिसर्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनको इस बार ड्यूरंड कप जो है और विस्तार करना है और दूर जाना है और नए नए जगह जाना है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट रखा कि आप कोकराझार में करें। आज जो बच्चे हम और आप यहां बैठे हैं ड्यूरंड कप के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी को लगा कि हम कर सकते हैं और इन्होंने पूरा जोर लगाई। हम आम लोगों के मन में जब किसी को यूनिफॉर्म में देखते हैं, हाथ में बंदूक होते हैं, तो मन में डर लगता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्मी जैसे दोस्त, आर्मी जैसे फ्रेंड, आर्मी जैसे वेल विशर किसी भी देश में ऐसे नहीं है। भारत के आर्मी दुनिया के बेस्ट है। कहां भूकंप आए, कहां बाढ़ आए, कहां मुश्किलें हो, आर्मी के भाई वहां पहुंच जाते हैं। और आज फुटबॉल भी देखो 132 जो ड्यूरंड कप हो रहा है, 132 साल पुराना, वो भी आर्मी के माध्यम से हो रहा है। इस मंच पर उपस्थित मेजर जनरल मोहित महेंद्र जी, जो कि वाइस चेयरमैन है ड्यूरंड कप के, मेजर जनरल दिनेश हुड्डा जी, चीफ ऑफ स्टाफ गजराज कैंप के, मेजर जनरल एस मुर्गेशन जी, जीओसी हेड ऑफ कम्युनिकेशन, आदरणीय मंत्री जी श्री यूजी ब्रह्मा, आदरणीय खेल मंत्री जी श्रीमती नंदिता गर्लोसा दीदी, मेरे बहन जिन्होंने भारत के लिए खेलती है अपूर्णा नारजारी, और विशेषकर यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रमोद बोरो दादा, सैनिक स्कूल के भाई, ग्वालपारा स्कूल के छात्रों, ऊपर में बैठे हुए सारे स्टूडेंट और यहाँ के सभी आधिकारिक और मित्रों, मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तरफ से कोकराझार और बोरोलैंड में फुटबॉल की जो भी सहयोग की आवश्यकता हो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करेगी, और इस पर आप सभी का सहयोग हो ऐसा मैं आशा करता हूं। आप सभी अच्छे से इस मैच को देखो, ड्यूरंड कप को करो, और मेरा ये सपना है कि बोरोलैंड से इस ड्यूरंड कप के माध्यम से, दूसरे टूर्नामेंट के माध्यम से बहुत सारे बच्चे, ना कि सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी आए और यहां से फुटबॉल खेले और देश के सम्मान बनाए। आप सभी खुश रहो, सुखी रहो। जय हिंद।